शपथ ग्रहण के बाद तमाम नेताओं के हाव भाव देखने लायक थे। जी हां, बिहार में जदयू और बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद तमाम बड़े नेता बाहर निकले। विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो ऐसे तमाम बड़े नेता जब वो राजभवन से बाहर निकल रहे थे, हमने उनसे बातचीत की। हमने विजय कुमार सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है उनसे भी बातचीत की। इसके अलावा जो पूर्व डिप्टी सीएम थे तारकिशोर प्रसाद, उनसे बातचीत की। इसके अलावा जो बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जिनको काफ़ी चोटें लगी थी उस दौरान जब बीजेपी ने महा आंदोलन किया था तेजस्वी और जदयू की सरकार के खिलाफ, उनसे भी बातचीत की। तमाम लोग क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। बिहार की जनता के भावनाओं के अनुकूल निर्णय लिया गया और उसको भाई रुको, नेतृत्व के प्रति हम फिर से आभार व्यक्त करते हैं। और विकास, ठहरी हुई विकास को आगे बढ़ाना है। और जो एनडीए सरकार डबल इंजन की सरकार में जो भी गति रुक गई थी, उस गति को और तीव्र गति से बढ़ाया। वो अपने एक खिलाड़ी है, अपने जिंदगी में अपने खेल में सफल नहीं हो सके और अब इस उम्र में सफलता की कहीं से गुंजाइश भी नहीं है। मौका मिला था, अच्छे खेल नहीं सके। अगर जो अच्छा खेलते तो फिर उनको खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। और बिहार में भी माँ जानकी की धरती है, अयोध्या से बिहार तक राम राज्य की सपना को साकार किया जाएगा। बताइए कैसे, आपसे तो कुछ महीनों में ही उप मुख्य मंत्रालय जो है वो छीन लिया गया था। फिलहाल छीना नहीं गया है, ये दायित्व अलग अलग दायित्वों में हम सब काम करते हैं और इस बार हमारे सहयोगी कार्यकर्ता को दायित्व मिला है, वो बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। हमें दल कोई और दायित्व देगा, उसका बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। अभी मौलिक तौर पर आगामी जो 2024 का हमारा लोकसभा का चुनाव है, और पिछली बार इसी बिहार की धरती ने 40 में 39 सीटें दी थी, हम 40 की 40 सीटें कैसे लें? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक विकसित भारत की ओर बढ़ा है, तो एक बड़ी उम्मीद भारत के लोगों की है। और बिहार देश की सत्ता के लिए बिहार का रहना आवश्यक है। चाहेंगे कि स्थायी सरकार रहे, निश्चित तौर पर। नीतीश कुमार की पलटी नहीं मारेंगे क्या, ये कंफर्म कर लिया है आप लोगों ने? ये बात पलटी मारने का नहीं है, बात है कि राज्य कैसे अपराध मुक्त हो, हम सब कैसे एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे, उसके लिए हम सब की बात कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी खेला करेगी तो हम लोग देश को विकास की ओर ले जाएंगे। वो अपना खेला करे, हम तो देश और राज्य के लिए काम करते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं वो जो गठबंधन नहीं, उसका गठबंधन हो गया है, तो एनडीए नहीं चलने वाले। नहीं, हम लोग तो लंबे वक्त तक साथ काम किए हैं, वो बीच में अचानक कभी कभी घुसपैठ करते हैं और फिर बिहार की स्थिति बिगड़ती है। लेकिन हम सबों ने समझा है, नीतीश कुमार जी ने भी समझा है, जनता दल यूनाइटेड ने भी समझा है। 2025 तक चल जाएगी सरकार, सरकार तो चलने के लिए नाज बनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बिहार के जिंदाबाद, बिहार के लोगों के उम्मीदों पर नई सरकार खड़ी उतरेगी, यह मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। और वास्तव में पहले एक था, ऐसा परिस्थिति बन गई कि अराजक स्थिति बन गई थी। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं असहज महसूस कर रहा था, और एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे अन्य जो सहयोगी गठबंधन सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर के बिहार की जनता का भलाई होगा, बिहार में विकास होगा, अपराध पर लगाम लगेगा। और हमें लगता है कि सर्वांगिक स्तर पर जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वह फॉर्मूला, वह नीति, वह मिशन बिहार को भी पूरा करने का काम करेगा। देखिए, सरकार गिरने और सरकार बनने का जो आज सिलसिला था वो थम चुका है, लेकिन अब यहाँ से एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि बिहार में हमेशा से ऐसी सियासत रही है जो कभी शांत नहीं होती है। हर बदलते दिन के साथ यहाँ की सियासत भी बदलती है। अब लोगों की नज़र है लालू यादव की तरफ, राजद की तरफ, कि उनका स्टेप क्या होगा, क्या लालू यादव अब कुछ कर पाएंगे। हालांकि जो राजनीति के विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि अब कोई बड़ा स्टेप
लालू यादव नहीं उठा सकते, फिर भी राजद के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को थोड़ी बहुत उम्मीद है कि शायद कहीं कोई चमत्कार हो जाए। अब देखना बाकी है कि बीजेपी तो जीत का लड्डू खा रही है और जो राजद है वो जो आंसू बहा रही है, क्या उसको पोछने के लिए लालू यादव कोई बड़ा कदम उठाएंगे, क्या होगा जरूर उस पर हमारी नजर रहेगी। इस खास खबर में इतना ही, लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।